उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर से खबर सामने आई है। इसमें प्रशासन द्वारा लगभग 2 वर्ष पहले बंजर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी। इस दौरान सरकारी भूमि पर बनी दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया था और इसी बीच अतिक्रमणकारियों द्वारा की गई इस कार्रवाई को गलत बताते हुए लोगों ने कोर्ट की शरण ली थी। वहीं कोर्ट के आदेशों के बाद पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने इस पुनर्निर्माण कार्य को बीच में ही रोक दिया। साथ ही मौके पर जसपुर विधायक समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्राप्त सूचना के मुताबिक ये मामला जसपुर के पतरामपुर का है, जहां बंजर भूमि खसवा संख्या 290 पर 2 वर्ष पहले अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए दुकानों और मकानों को तोड़ा गया था, जिसके बाद लोगों ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश के बाद फिर से निर्माण कार्य किया जा रहा था। और इसी बीच मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। इस दौरान लोगों ने बताया कि कोर्ट द्वारा फिर से निर्माण का आदेश दिया गया था। बताया गया कि इस मामले में प्रशासन को पहले ही अवगत करा दिया गया था, लेकिन ये कार्य बीच में रुकवा दिया गया है। वहीं मौके पर उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने कहा कि इन लोगों को कोर्ट से 287 खसवा संख्या के लिए स्टे मिला है, लेकिन ये 290 खसवा संख्या पर निर्माण कर रहे हैं, जो कि अवैध है, इसलिए इस कार्य को बीच में रोका गया है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोर्ट से एक स्टे लेके आए 287 नंबर का है और जहाँ ही निर्माण कर रहे थे वो 290 नंबर है, जो कि बंजर का नंबर है। और इसी बीच में इन लोगों को गलतफहमी है कि ये जो है 287 का निर्माण करें, जबकि वो गलत जगह निर्माण करें। तो इसके लिए ये इनको कहा गया कि हम मंडे को फिर से फरमाइश करेंगे और इनको बता देंगे कि ये गलत जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसके पश्चात तब तक के लिए इस कार्य को रुकवा देंगे। ये मामला जो है ग्राम पतरामपुर का है, वो 10-12 व्यक्तियों के जो 287 नंबर खसरा नंबर 287 था पतरामपुर का, वो आबादी का नंबर है और उस आबादी के नंबर पर कुछ व्यक्तियों को संपत्ति के अधिकार में अधिकार मिल गए हैं और हमारे जो ये पीड़ित व्यक्ति हैं इनके भी मकान बने हुए हैं उस पर, और उन्हीं मकानों के लिए हमने एक स्थायी निषेधाज्ञा का इंजंक्शन सूट माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन जसपुर में 2023 में कुलदीप सिंह बलजीत रेशम सिंह निवासी पतरामपुर थाना यानी जसपुर और जमीन 287 नंबर खसरा नंबर पतरामपुर में, जो कि सन 98 में तहसील काशीपुर से तस्दीक हो चुकी है रकबा, उसमें हमारा करीब 35-40 साल पुराना मकान बना हुआ था 2 मंजिला, जिसे 29 मई 2023 को नापने के नाम पर एसडीएम तत्कालीन एसडीएम जसपुर पटवारी तहसीलदार अमला पुलिस लेके जबरन तोड़ दिया। हमें एक दिन का भी मौका नहीं दिया, सामान भी हम पूरा नहीं निकाल सके। फिर हम माननीय न्यायालय की शरण में गए और बहुत कुछ हुआ। उसके जाने के बाद करीब 1.5 साल मुकदमा चला, सरकारी वकील भी पेश हुए। उसके बाद हमें 28 तारीख को माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, जिसकी कॉपी हमें 1 अक्टूबर सन 2024 को मिली, कि आप जो आपकी जगह है उसमें अपनी पुनर्निर्माण करें और उसमें कोई दखलंदाजी ना करें, ये भी उसमें साफ लिखा हुआ है। मगर आज जब हम यहाँ बनाने लगे, अमनप्रीत वगैरह उनके लोग, मेरा ये बराबर में है, हमें भी बनाना शुरू, क्योंकि हमारे पैसे नहीं बचा, हमारे तबाह कर दिया। इस प्रशासन का जो है लोकतंत्र वो खत्म हो गया है, बिल्कुल राजतांत्रिक तरीके पे यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं। ये माननीय न्यायालय का हमारे पास आदेश है पुनः निर्माण का इसी जगह पर अधिकारियों ने इसे बिल्कुल नकार दिया कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। कोर्ट सर्वोपरि है, हम भी कोर्ट पे निर्भर करते हैं, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से हम शांत बैठे थे। आज हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है निर्माण करने का, तो हम कर रहे थे और बड़े गलत तरीके से प्रशासन ने आज हमें यहाँ रोका है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, प्रशासन ने रोका है, हम शांतिपूर्ण तरीके से रुक गए हैं, पर इसका जवाब हम इन्हें कोर्ट में देंगे, कानूनी तरीके से इस चीज़ का जवाब। हमारे सामने तो आज तक कोई पैमाइश नहीं हुई,